क्लास नाइन्थ हिंदी पार्ट दस चलना हमारा काम है। पार्ट दस चलना हमारा काम है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, पैरों में कैसी गति भरी है? पैरों में कैसी गति भरी है? उत्तर, पैरों में प्रबल गति भरी है। उत्तर, पैरों में प्रबल गति भरी है। प्रश्न दो, कवि के अनुसार कब तक विराम नहीं है? प्रश्न दो, कवि के अनुसार कब तक विराम नहीं है? उत्तर, कवि के अनुसार जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक विराम नहीं है। उत्तर, कवि के अनुसार जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक विराम नहीं है। प्रश्न तीन, हमारा काम क्या है? उत्तर, हमारा काम चलना है, चलते रहना है, काम है। प्रश्न तीन, हमारा काम क्या है? उत्तर, हमारा काम चलना है, चलते रहना हमारा काम है। प्रश्न चार, कवि किसकी खोज में भटक रहे हैं? प्रश्न चार, कवि किसकी खोज में भटक रहे हैं? उत्तर, कवि पूर्णता की खोज में भटक रहे हैं। उत्तर, कवि पूर्णता की खोज में भटक रहे हैं। प्रश्न पांच, प्रत्येक पग पर क्या अटकता रहा है? प्रश्न पांच, प्रत्येक पग पर क्या अटकता रहा है? उत्तर, प्रत्येक पग पर रोडिया अटकता रहा है। उत्तर, प्रत्येक पग पर रोडिया अटकता रहा है। प्रश्न छह, किसकी गति रुकी नहीं है? प्रश्न छह, किसकी गति रुकी नहीं है? उत्तर, जीवन की गति रुकी नहीं है। उत्तर, जीवन की गति रुकी नहीं है। प्रश्न सात, चलना हमारा काम है के कवि कौन है? प्रश्न सात, चलना हमारा काम के कवि कौन है? उत्तर, चलना हमारा काम है के कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। उत्तर, चलना हमारा काम है के कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, आज मेरे सामने रास्ता इतना बड़ा, पंक्तियों का आशा क्या है? आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, पंक्तियों का आशा क्या है? उत्तर, कवि इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि जीवन में हमें बहुत जिम्मेदारियों निभानी होती है। हमारे परिवार संग संबंधियों के प्रति कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। साथ में हमें जीवन में अच्छे कार्य करना है, नाम रोशन करना है, जीवन को सार्थक बनाना है। आज मेरे सामने रास्ता इतना बड़ा, पंक्तियों का आशा क्या है? उत्तर, कवि इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि जीवन में हमें बहुत जिम्मेदारियों निभानी होती है। हमारे परिवार संग संबंधियों के प्रति कर्तव्य को पूरा करना पड़ता है। साथ में हमें जीवन में अच्छे कार्य करना है, नाम रोशन करना है, जीवन को सार्थक बनाना है। प्रश्न दो, कवि की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया है? प्रश्न दो, कवि की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया है? उत्तर, जीवन के सफर में बहुत से लोग भागीदार होते हैं, कुछ लोग वापस लौट जाते हैं, लेकिन जीवन में कभी रुकी नहीं, वह मंजिल की तरफ बढ़ती रही रहा है। बहुत से लोग निराश होकर साथ छोड़ा, बहुत लोग हार गए, लेकिन जो लक्ष्य तक साथ रहे उनकी सफलता सर्वोत्तम है। जीवन का अर्थ चलते रहने से है। आधार उसी का होता है जो जीवन पथ पर सभी हार नहीं मानता एवं निरंतर चलना रहता है। कौन को ऊपर उच्चावर लिखिए। उत्तर, खवा, जवा, विसडंग, असम, काम, जम, अभिगम, विसगम। निम्नलिखित पंक्तियों को सही पंक्तियों के लिए भरिया। उत्तर, फिर क्यों रहूं दर दर हवा। दो,
तक मुझे का विराम है, तक तक मुझे का विराम है। 3. कुछ बीच ही से फिस गए, कुछ बीच ही से फिस गए। 4. जो मिस गए सो मिर गए, 4. जो मिस गए सो फिर गए, मिर गए। उचित विलोम शब्द में छाट कर लिखिए। उत्तर 1. किसम अविसम, पूर्णता अपूर्णता, निशा आशा, सफलता असफलता, सामने पीछे, जन्म मरण। प्रत्येक के जोड़ की सूचना बनाइए। 1. बटक प्लस ता, बटकता। 2. सुंदर प्लस ता, सुंदरता। 3. चमक प्लस ता, चमकता। लघु प्लस ता, लघुता, लघुता। 5. बरस प्लस ता, बरसता। भावार्थ लिखिए। कविता चलना हमारा काम है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन। भावार्थक लिखिए। भावार्थक है, इस कविता में कवि कहते हैं कि मानवीय जीवन में चुनौतियां से भरा है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति तो हर हाल में करना है। चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, जब तक आप अपनी मंजिल पर ना पहुंचे, हमें आराम नहीं करना चाहिए। रास्ते में हमें बहुत लोग मिलेंगे, कुछ हमारे साथ आएंगे, पढ़ते रहे हैं तो कुछ बीच रास्ते से ही मुकर जाते हैं, तो कोई कठिनाइयों से हार मानते हैं। हमें जीवन में हार ना मानकर आगे बढ़ना है, तभी तो हमें सफलता हासिल होगी। जीवन की किसी के लिए रुकता नहीं, चलना ही हमारा काम है। अनुरूपता लिखिए। 1. जन्म मरण बहुत कम। 2. चलना चलना, गिरना गिराना, चलना चलाना, गिरना गिराना, पैर पांव, सड़क मार्ग, रोड़ा संज्ञा शब्द, भटकना क्रिया। चलना हमारा काम कविता के सारांश। कविता का सारांश यानी समरी। कवि कहते हैं कि अगर मेरे पैरों में गति प्रबल ताकतवर है, तो मैं किस कारण रास्ते में खड़ा रहूं। मेरे सामने बहुत से बड़ा मार्ग है, मन में मंजिल पाने की चाह है। जब तक मैं अपना लक्ष्य न पाऊं, तब तक मैं कहीं भी स्नेह वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। मुझे मैं इस लक्ष्य किसी भी हाल में पास है, लेकिन बीच रास्ते में बहुत रुकावट है, कठिनाइयां हैं, हर कदम पर मुश्किलें हैं। इन सबको पार करना ही होगा। मुझे निराशा किस बात की, क्योंकि यही हमारा जीवन है और हमें चलना ही है होगा। चलते ही मेरे साथ बहुत साथी जुड़ जाएंगे, कुछ बीच रास्ते में से फिर गए तो कुछ लोग न जीवन से हार मान ली। फिर गिरकर उठना बहुत सी बड़ी बात है, जो गिरकर पुनः उठकर चले सफल उनसे कदम चूमेगी। ठार बनकर मत रुकना, चलते रहना ही हमारा काम है, कर्तव्य है, जीवन की गति चलती ही रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को सभी 9th क्लास विद्यार्थियों को शेयर करिए। सो एक्सपर्ट करियर एकेडमी समर वेकेशन क्लासेस एंड रेगुलर क्लासेस एडमिशन आर ओपन। एसएससी इंग्लिश मैनम कन्नड़ मीडियम 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, 6th, 5th, 4th एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो नवोदय सैनिक कितूर, सो पीयूसी पर सेकेंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ऑल क्लास कोचिंग अवेलेबल। एक्सपर्ट करियर अकेडमी सैनी स्कूल मॉडल लैंगेट हत्तीरा तरवी रोड अथेनी रोड हबीब नगर विजयपुर। एडमिशन आर ओपन। थैंक यू।